नमस्ते दोस्तों, आज हम टारगेटेड थेरेपी की प्रक्रिया और इसके विभिन्न चरणों की अहमियत के बारे में बात करेंगे। टारगेटेड थेरेपी में मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इसका पहला चरण है कैंसर कोशिकाओं की पहचान और टेस्टिंग करना। इस स्टेज में डॉक्टर कैंसर की खासियतों को समझते हैं ताकि सही टारगेटेड थेरेपी तय की जा सके। दूसरे चरण में सही लक्षित दवा का सिलेक्शन किया जाता है। हर मरीज के कैंसर की प्रकृति के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड दवा का चयन किया जाता है, जिससे इलाज ज्यादा इफेक्टिव हो सके। तीसरे चरण में इलाज के दौरान डॉक्टर मरीज की रिस्पॉन्स को लगातार मॉनिटर करते हैं और इलाज में जरूरी बदलाव करते हैं। हर चरण की अपनी अहमियत है, क्योंकि सही पहचान और दवा का सही चयन इलाज की सफलता को बढ़ाता है, जबकि नियमित निगरानी ये सुनिश्चित करती है कि दवा सही से काम कर रही है।